हाल ही में एडवर्टाइजिंग और ब्रांड प्रमोशन के क्षेत्र में काफी उथल पुथल देखी जा रही थी, लेकिन अब इसमें एक बिल्कुल नया आयाम जुड़ गया है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग के क्षेत्र में एक बिल्कुल नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है। सेलिब्रिटीज को ब्रांड्स में बदला जा रहा है। ये कंसेप्ट पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में विशेष रूप से दिख रहा है। पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन है और उसका एक्सपोजर हो गया टीवी, इंटरनेट, तो दे हैव बिकम वेरी कॉन्शियस अबाउट दीज सेलिब्रिटीज, उनकी एस्पिरेशन बढ़ गई है। तो हमने क्या सोचा कि एस्पिरेशन को उसकी नीड के साथ जोड़े और ब्रांड्स को इंडिया में ले आए और इंडिया के सेलिब्रिटीज को भी एक ब्रांड बना दें। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल जिस पे हम काम कर रहे हैं। दूसरा, हमें सेलिब्रिटी साथ में मिलती है, जो कि अगर मैं एक सेलिब्रिटी से किसी और सेलिब्रिटी के से इंडोर्स कराऊं बाहर से तो वो एक एडिशनल कॉस्ट है। हेयर यहाँ पे सेलिब्रिटी इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस, तो वो मेरी कॉस्ट सेव हो रही है। आज मीडिया कॉस्ट मेरी सेव हो रही है। मेरे को अगर किसी सेलिब्रिटी से आज मेरे को ब्रांड एम्बेसडर बनाना पड़ा तो करोड़ के करोड़ खर्चने पड़ेंगे, वो बच रहे हैं। सो इट इज विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। इस परफ्यूम बनाने वाली कंपनी ने भारत के एक मशहूर अभिनेता को परफ्यूम ब्रांड में ढाला है। इनका मानना है कि इससे परफ्यूम के मार्केटिंग में बहुत फायदा होगा। विदिन 4-5 मंथ्स, मतलब ये कैन अंडरस्टैंड कि हम लोग अप टू 50-60% वहाँ तक पहुँच गए हैं। एक साल के बाद वी कैन बी अ पैरेलल विद द बिगेस्ट ब्रांड वट एवर इज रनिंग इन इंडिया, जो बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ कॉम्पीट। हमारे कॉम्पिटिशन अभी इंडिया के टॉप 20 ब्रांड्स में से हैं। टॉप 20 ब्रांड्स में आज 4-5 महीने में ऋतिक रोशन को जिस तरह से हमने मार्केट में प्रेजेंट किया, हमारी काउंटिंग 1 से लेकर 15 के बीच में अभी आ चुकी है कि हाँ कोई ब्रांड लेके कोई कंपनी आया है कॉल्ड एक्सट्रीम परफ्यूम्स एंड पर्सनल केयर। एक साल बाद मे बी हम लोग आज जो 1 to 15 की रैंकिंग मारे, मे बी हम लोग 1st, 2nd, 3rd, 4th रैंक में अपने प्रोडक्ट को देख पाए। विशिष्ट व्यक्ति ही नहीं, विशिष्ट इवेंट्स को भी ब्रांड्स में बदला जा रहा है। मिस इंडिया, एवरी फीमेल इन इंडिया नोस दे शी एस्पायर्स टू बिकम ए मिस इंडिया। और हर आप बरेली, छोटे से बदायूं डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, कहीं जोरहाट में चले जाएं, एवरीबडी नोज अबाउट मिस इंडिया। और हर लड़की की तमन्ना, मतलब दिल की तमन्ना है कि वो मिस इंडिया बनना चाहती है। तो हमने क्या सोचा कि क्यों ना इस मिस इंडिया जो इतनी बड़ी एस्पिरेशन है, इसको कन्वर्ट कर दें एक ब्रांड में, और वो भी ब्यूटी विद ब्रेन। तो ब्यूटी तो ठीक है, कॉस्मेटिक है, ब्रेन कैसे जोड़ा कि प्रोडक्ट नेचुरल लॉन्च करें, ऑर्गेनिक बनाएं, सल्फेट फ्री बनाएं और पैराबीन फ्री बनाएं। देशी ही नहीं, विदेशी सेलिब्रिटीज भी ब्रांड्स में बदले जा रहे हैं, क्योंकि ये काफी महंगे होते हैं, इसीलिए इन्हें किसी न किसी नेक काम में जोड़ा जा रहा है। हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा ब्रांड लेके आए जो अपर मास, मतलब एक प्रीमियम सेगमेंट भी है इंडिया में, चाहे वो मार्केट 5% की है या 2% की है, लेकिन उसमें वॉल्यूम अच्छा आता है, टर्नओवर अच्छा आता है, और उन लोगों को भी एक गैप खुला हुआ है इंडिया में। अभी क्या हो रहा है, मोस्टली ग्रे मार्केट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर। इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स में आप चले जाइए, आपको 90% ग्रे मार्केट प्रोडक्ट मिलेगा, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम समबडी हैज डन ए ऑर्गेनाइज्ड वे कि सेलिब्रिटी ब्रांड्स को लेके आए, उसका लाइसेंस ले, उसको ऑर्गेनाइज वे में लॉन्च करें। जितना ये प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड बिक रहा है, इसका एक शेयर उस चैरिटी में जाता है, वट एवर इट टेक्स, जो नेल्सन मंडेला जी ने शुरू करी थी। तो इस तरह से एक सोशल यू नो कॉज भी साथ साथ में जुड़ी हुई है। आज भारत में परफ्यूम्स का मार्केट 24% और हेयर केयर का बाजार 35% की सालाना दर से बढ़ रहा है, इसीलिए ये काफी सफल भी हो रहे हैं। इतना ही नहीं, ये प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाने में काफी उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं।